नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और ये ग्राउंड फ्लोर एक फ्लैट है और घर के आगे गाड़ियां पार्क हैं, इस तरफ भी पार्क है आप देख लें, और इस तरफ कोठी बनी हुई है घर के सामने, कोठियां बनी हुई हैं इनफैक्ट, बड़ी शानदार बढ़िया। और सामने 1 BHK बन रहे हैं और इस घर के बैक साइड पे मार्केट है और मार्केट के बैक साइड पे खरड़ का मेन बस स्टैंड है। तो खरड़ के मेन बस स्टैंड से सामने जो अंदर सड़क जाती है उसी के ऊपर ये 3 BHK है। आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो ये अंदर आपको दिखाते हैं, ये हॉल जो इसमें वॉलपेपर लगा है, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, डाउन सीलिंग हो रखी है और यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग जो भी हम चाहें बना सकते हैं। और उस तरफ गेट के इस तरफ एक रूम है जो बाहर से जिसका रास्ता भी है, तो यहाँ ये जो गेट है ये बाहर से रास्ता है यहाँ से, और ये पूरी की पूरी यहाँ पे रोशनी आएगी। यहाँ पे भी वॉलपेपर लगे हुए हैं, डाउन सीलिंग हो रखी है और अलमीरा है, और इस तरफ इसका एक स्टोर भी है और साथ में यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ है। तो वॉशरूम भी अंदर है, वो भी आपको दिखा दें। ये बाहर से एंट्री है और बाहर से ही इसका एक्सेस हो जाएगा, तो ये रूम सेपरेट रेंट पे भी चढ़ सकता है। अंदर का 2 BHK हमने अलग करना है, ये वाला यहाँ से दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ये वन रूम सेट अलग से बाहर हो जाएगा। बाहर से इसकी एंट्री है, यहीं पे ही बेड लग जाएगा और बाहर इसका वॉशरूम भी और ड्रेसिंग भी हो गया। तो ये रूम नंबर 1 हो गया। सामने 2 कमरे हैं, तो किचन बिल्कुल रेडी है क्योंकि रह रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर भी पूरा स्टोरेज है, यहाँ पे भी स्टोरेज पूरी है, और यहाँ पे चिमनी की प्रोविजन है, बाहर ये पाइप दे दी है ताकि बाहर जाए, आरओ यहाँ पे लग ही चुका है और गीजर के ऊपर प्रोविजन भी है। तो स्पेस आप देख ही रहे हैं, प्लाइज हो गई है, फ्रिज है, ये सामान के लिए यहाँ का बड़े कवर आ जाएगा और ये सारी ड्रेसिंग आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी, जो मॉडुलर किचन है वो वाला यहाँ पे काम किया गया है, तो हर चीज रेडी है और यूजेबल है। तो ये कमरा एक बड़ा कमरा आ गया, पीछे वाला जिसमें वॉलपेपर लगा हुआ है, डाउन सीलिंग हो रखी है और फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स हैं, और साथ में इसका अटैच वॉशरूम है जो यहाँ है, और प्लस पीछे वॉशिंग एरिया है और जाली लगाकर बंद किया गया ताकि कोई बाहर से बंदा अंदर ना आ सके। तो ये सेकंड रूम हो गया, अब चलते हैं थर्ड रूम के अंदर। तो ये थर्ड रूम हो गया और थर्ड रूम के अंदर बेड है, बेड के साथ स्पेस है, इधर वॉशरूम है और इस तरफ अलमीरा जो है वो फुल लेंथ बनी है, डाउन सीलिंग हो रखी है और वॉलपेपर बड़ा शानदार है और LED यहाँ पे लगी हुई है, पैनल भी साथ में है। वॉशरूम भी यहाँ पे इसका, यहाँ अटैच वॉशरूम है दूसरे कमरे का, दूसरी तरफ अटैच वॉशरूम है, तो 3 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है, गीजर लगा हुआ है और यहाँ वेंटिलेशन के लिए ये विंडो दी गई है, तो यहाँ से हवा भी आ सकती है, रोशनी भी आएगी, दोनों चीज़ है। तो ये 150 गज में बना हुआ 3 BHK है, तो इसकी 55,90,000 की डिमांड है। ग्राउंड फ्लोर है, बिल्कुल बस स्टैंड के पीछे है, सेपरेट सेपरेट रूम रेंट पे चढ़ जाएंगे, 30,000 के आसपास इसका रेंट आ जाएगा, अलग अलग रूम अगर बच्चों को देते हैं तो, और अगर हम इकट्ठी फैमिली को देते हैं तो रेंट कम आएगा। तो 55,90 इनका डिमांड प्राइस है, बाकी ऑन टेबल बैठे के नेगोशिएशन हो जाएगी, GST हो रखी है, बैंक लोन हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर है, बिल्कुल ही मार्केट की बैक साइड पे है, यानी कि बस स्टैंड पे उतरो, मार्केट क्रॉस करो और अपने घर, तो इससे नज़दीक और कोई फ्लैट आपको नहीं मिलेगा। और 3 BHK एक फैमिली के लिए सफिशिएंट स्पेस होता है, अगर आपको रोज़ आना जाना है बस स्टैंड से, आपको बस पे चंडीगढ़ जाना है, कहीं बाहर जाना है, जॉब करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको 24 घंटे बस स्टैंड तक मिलती है, तो ये प्लस पॉइंट है। नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, बिल्कुल सामने बस स्टैंड पे हमारा ऑफिस है, आप आएंगे नंबर पे कॉल करके तो आपको हमारा स्टाफ ये दिखाएगा और इसके आसपास भी जो अदर ऑप्शन है वो भी आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।